देखो तो लग रहा है दो मिनट का वीडियो बनाते बस और डाल देते हैं। प्यार की राह में चलना और भाई यहाँ पे फाइनली मुनावर जीत गया है और भाई साहिल भाई फुल खुश है। साहिल भाई आज पार्टी दे रहे फुल, मतलब भाई आज बैनर बीनर लगाने वाले मुनावर का और फुल आज पार्टी चलने वाली है फुल नाइट। क्या बोलते हैं भाई एकदम फुल ऐसे जो खंबा चाहिए भाई वो खंबा देखो पिला भाई खंबा विंबा नहीं चाहिए मुझे बस भाई, जूस पिला देना ऑरेंज जूस भाई भाई बस क्या नाम खराब करेगा क्या भाई आज खुशी की चीज है भाई पियो जो पी रहे जो पिलाता हूँ तो क्या बोलते हैं बस भाई क्या फाइनली मतलब अब अपने मुनावर भाई जीत गए बिग बॉस 17 बस जिसे मैंने बोला था लास्ट वीडियो में कि मतलब मैं चाहता हूँ और बहुत से मतलब बहुत मतलब उसको इतने सेलिब्रिटी लोग जो है ना इतने सपोर्ट कर रहे थे ना इतने सपोर्ट ना फट्टे एकदम सेलिब्रिटी से ज्यादा भाई फैन बेस तो वो है ही था पर जो बीच में जो मुनावर सीन चल रहा था ना वैसा वाला सीन हुआ था तो उसमें क्या हो गया सेलिब्रिटी लोग भी ना घुस गए मतलब एंटर किए मतलब ये जो चीज हो रहा है ना मतलब मुनावर से तो गलत हो रहा है। अच्छा। फिर उसके सपोर्ट में बहुत लोग आए बहुत करण कुंद्रा हो गए उसके जितने भी है एमसी स्टैन फैजू सब भाई जितने भी इन्फ्लुएंसर लोग है सब मुनावर के सपोर्ट में थे। ओके आज फाइनली भाई और क्या अपने मुनावर फारूकी जीत गए भाई भाई क्या पार्टी किधर है आज पार्टी भाई बोलो ताज जाते ताज नहीं भाई इतना ज्यादा हो गया भाई ताज भाई ताज घर बेच के जाएंगे। आज जैसे कि हम लोग ने बताया था कि हम लोग एक बिग बॉस पे एक फिनाले के ऊपर एक छोटा सा अपडेट वीडियो बनाएंगे। सो यहाँ पे भाई साहिल है साहिल के साथ भाईचारा की बातें हुए और आज काफी टॉपिक पे बात करेंगे जैसे कि पता ही है भाई विनर जो है भाई ने बोला था पार्टी देने वाला है क्योंकि मुनावर जीत गया है सो उसका भाई पार्टी देगा अपने को। तो भाई बताओ भाई जैसे अपने मैंने कहा था भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि भाई मुनावर ही जीतेगा तो बस वो हो चुका है 28 में अपना फिनाले जो था अब जैन में तो मुनावर भाई जीत गए सही बात है। और जैसे मेरा सेकंड मतलब ये था कि मतलब मैं मुनावर के बाद जिसको देखता हूँ वो अभिषेक है। अच्छा तो वही हुआ टॉप टू में अभिषेक और मुनावर ही थे। अच्छा तो तीसरा मनारा तो ये टॉप थ्री में थे पर भाई ने जो मतलब ना भाई के एक राइट साइड में लेफ्ट साइड में जो खड़े होते वो एक मुनावर थे और एक अभिषेक ये टॉप टू थे। जैसे तूने प्रेडिक्ट किया था तेरा आ गया प्रेडिक्शन भाई प्रेडिक्शन आ गया यही तो बात है मैं दूसरों में प्रेडिक्शन चलता है भाई खुद पे नहीं चलता है अब ये चलता ही नहीं है प्रेडिक्शन तो ज्योतिष का काम वही रहता है ना भाई ज्योतिष क्या करता है दूसरे का प्रिडिक्ट करता है लेकिन खुद का नहीं होता है ना उसका भाई जब अपनी जिंदगी सवर जाए तो जाके अरे भाई तो दूसरों की सवार है उनसे पैसा लेके खुद की सवर जाएगी ना क्या बोल लेगा तो बस वही था कि मतलब फाइनली मतलब मुनावर जीत गया भाई उसके बाद भाई डोंगरी का सीन देखा क्या नहीं नहीं क्या सीन चल रहा है भाई जब फाइनली मुनावर डोंगरी गया ना तो इतना क्राउड भाई इतना क्राउड अच्छा मतलब कोई मतलब तू इतना क्राउड था ना भाई कोई चीज में इतना क्राउड देखा ही नहीं था कि मतलब कोई बिग बॉस का कोई विनर गया पर्टिकुलर उसको मतलब पब्लिक वेलकम करने के लिए उसको मुनावर फारूक को देखने के लिए जो क्राउड जमा हुई थी फट्टे थे भाई फट्टे। और भाई सलमान भाई ने क्या क्या किया फिर फिनाले पे क्या क्या किस किस का क्या बता जरा सबसे तो भाई अपने जो स्टार्टिंग से जो चल रहे थे भाई बाबू भैया का सीन बाबू भैया भाई अरे भाई जो मतलब भाई इतना तो मैं मानता हूँ सलमान भाई से कोई अच्छा रोज कोई कर नहीं सकता भाई हाँ भाई जो मीठे में वो नहीं वो रोज पे ऐसा करेगा ना भाई तुझे समझेगा नहीं मतलब समझ लो मीठे मीठे में रोस्ट हो गया ऐसा हो जाता है वो सही बात तो वही था बाबू भैया को मतलब जैसे तो अच्छा खासा रोस्ट किया भाई सलमान भाई ने और मतलब जैसे बाबू भैया बाहर निकला था ना तो बिग बॉस के खिलाफ मतलब बहुत उसने बोला उल्टा सुल्टा कुछ गाने भी बनाया कुछ डिस गाना बना दिया बिग बॉस के ऊपर तो ये सब बहुत चला तो भाई सलमान भाई बोला कि भाई मतलब अपना बाबू भैया लगता है मेरे से इतना खफा है या बिग बॉस से जो इतना खफा है अरे कुछ लोगों ने ऑलरेडी निकलने के पहले बहुत सारे म्यूजिक वीडियो बनाए अनुराग ने भी बना लिया कुछ अनुराग याद है आज कौन सी सीजन इसी सीजन में था वो वो बिग बॉस से या पता नहीं मुझसे इतना खफा है एक अभी तक आया नहीं आज आया नहीं
क्योंकि शायद उसने इतना कुछ पोस्ट कर दिया बिग बॉस के खिलाफ अगर वो यहाँ बैठता राइडर कई वादियों में राइड कर रहा होगा इस बार तो बिग बॉस पे आया ही नहीं सही बात अगर वो इधर आ जाता तो नहीं आता वैसा आता भाई वही हो रहा है वो नहीं आता वो तो पता ही था सलमान मेरा कहना ऐसा था अगर वो बंदा अगर बिग बॉस में आ जाता फिनाले में तो समझ दे भाई वो तो उधर फेस टू फेस कुछ भाई फिर तो बहुत सीन था भाई तो बहुत अलग लेवल वाला था भाई पर इतना आया अच्छा है कि भाई चल डिजर्विंग इस टाइम कोई जीता है टावर सही बात इतना मतलब अप्स एंड डाउन्स देखा उसने बिग बॉस के अंदर भाई सीन में बहुत हुआ था बहुत हुआ फाइनली मतलब चलो भाई बोलते ना वो एक स्टेज रहता है तुम पहले ऊपर जाते हो गिरते हो फिर ऊपर जाते हो गिरते हो वही फाइनली अब वो विनर बन गया है और अभिषेक ने भी बहुत भाई बहुत अच्छा खेला है भाई मानता हूँ अभिषेक भी बहुत सही खेला है इनके अगर मुनावर नहीं जीतता था ना तो फिर तो भाई फुल चांसेस था अभिषेक का टॉप टू में आया भाई टॉप टू के लिए क्या रहता है क्या पैसा मिलता है नथिंग नथिंग ब्रो नथिंग कुछ नहीं देते टॉप टू को कुछ भी नहीं तो उनको पर एपिसोड तो देते ही रहेंगे पर एपिसोड भाई वो फटे अभी मैं तो मैंने एक ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था मैं तो उसमें मैंने देखा कि मुनावर को पर वीक का 8 लाख रुपए मिलता है पर वीक 8 लाख पर वीक का मतलब बिग बॉस के अंदर का रहने का पर एपिसोड रहता है कि पर वीक रहता है पर वीक के ऊपर ये सब कैलकुलेट होता है तो ओवरऑल अगर ये 4 महीने का देखने जाएगा ना तो कुछ उसका 1 करोड़ 20 लाख के आसपास हो रहा था भाई भाई उससे ज्यादा कह सकते हैं क्योंकि मुनावर का है नहीं नहीं सबसे हाई पेड वाला जो थी ना भाई वो अंकिता थी उसको 12 लाख मिल रहा था भाई हफ्ते का मतलब ऐसा मतलब मुझे सुनने आया मैंने ऐसा सुना अभी क्या है क्या नहीं वो तो पता नहीं सही बात अगर देखने जाए तो सबसे हाई पेड में वो अंकिता ही थी और अंकिता मतलब टॉप 4 से भी निकल गई तो थोड़ा सा उसको ऐसा था मतलब थोड़ा सा मुंह बन गया था अच्छा तो वो भी एक बड़ी फेम वाली है टीवी की एक्ट्रेस है अब वो मतलब अगर मतलब नहीं जीत पाए टॉप 4 से निकल गई तो वो थोड़ा सीन था ओवरऑल क्या सीन क्या हो गया अभी हो गया खत्म बस अब फाइनली बिग बॉस खत्म हो गया बेरोजगार लोग के लिए कुछ और बचा नहीं है देखने के लिए तो अभी देखते हैं कुछ और तो अभी बिग बॉस के अलावा तो अभी कुछ शायद से वो डांस का कुछ तो आने वाला है उसकी जगह पे वो चलेगा बाकी तो फिनाले तो खत्म बिग बॉस भी खत्म सब खत्म बेरोजगार के लिए कुछ बचा नहीं अब कुछ और ढूंढना पड़ेगा लोगों को कुछ टीवी शो वो देखेंगे भाई सही है भाई सही सो गाइस जैसे कि हम लोगों ने बताया था कि एक फिनाले पे एक छोटा सा वीडियो बना देंगे उसी तरीके से वीडियो बनाया कुछ ज्यादा सोच के नहीं बनाया वीडियो और शॉर्ट का वीडियो एक अपडेट टाइप वीडियो बना दिया बिग बॉस के ऊपर सो होप आपको पसंद आया हो और होप आपने भी बिग बॉस जो है एंजॉय किया हो उसके लफड़े एंजॉय किया हो जो लव ट्रायंगल था वो एंजॉय किया हो और यहाँ पे एक थोड़ा अगर आप एकदम स्टार्टिंग से हो बिग बॉस के साथ तो एक आपको भी थोड़ा सा लगा रहेगा कि भाई खत्म हो रहा है फाइनली कि भाई जो हर दिन का एक रहता था टाइम पे थोड़ा सा अंदर से लगता रहेगा बट इट्स ओके आएगा वापस से बिग बॉस आएगा लौटेंगे वापस से सलमान भाई फटाफट आ ही जाता है ऑलमोस्ट अभी अभी दो कॉन्सेप्ट हो गया ना भाई अभी ओटीटी का भी कॉन्सेप्ट हो गया फिर टीवी पे वाला आता वो हो गया है यस तो बस सो वही है सो बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं ऐसे हम लोग नए वीडियो के साथ तब तक के लिए भाई साइनिंग आउट लेट्स गो बाय हेलो भाई किधर है तेरे बिन लगता नहीं जिगर है लेके भागा फिर चिल्लर में कोक में डाला फिर लिकर में भागा ने ट्रिपल में मेरा गोटा जाम अबे साले